महर्षि महेश योगी जो कि पांडुका विकासखंड गरियाबंद जिला रायपुर के रहने वाले थे, इनका जन्म स्थल यहीं था। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। महर्षि महेश योगी जिन्होंने पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, उनके नाम से कई आश्रम और मठ चल रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं महर्षि महेश योगी के आश्रमों में किस प्रकार का पाठन पठन चल रहा है। कब से हैं आश्रम में? मेरे को 1.5 साल हो गए। अच्छा, क्या क्या सीख लिया आपने? वेद, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, पूजन मंत्र। अभी कितना छात्र हैं अपने छात्रावास में? अपने में वर्तमान में कुल टोटल संख्या तो 130 है। अच्छा। वर्तमान में उपस्थित वही 100 बच्चे करीबन उपस्थित है। 30 कहाँ गए? 30 अवकाश में, जैसे ये आ रहा होली तो होली में क्या है, अवकाश में भी जाते हैं और आते हैं। तो क्या क्या सीखते हैं यहाँ पे छात्र लोग? छात्रों लोगों को चारों वेदों का विशेष रूप से सिखाया जाता है, और वेद के साथ में जो है तो ज्योतिष भी है, व्याकरण भी है। मेन उपदेश ये है कि इनको पंडित बनाना है। उनका मेन उपदेश महर्षि महेश योगी जी का ये था, ब्राह्मण लोग यदि अपनी परंपरा में कायम रहेंगे तो और जातियां भी परंपरा में अपने आप पारंगत रहेंगी। जैसे चार वर्ण बताए गए, चार वर्णों का एक श्लोक है, मैं श्लोक बोल रहा हूँ। ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। मतलब भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहुओं से जो है तो क्षत्रियों की, और उधर से बनिया लोगों की, वैश्यों की, और ये जो है पदभ्यागुं शूद्रो अजायता, शूद्रों की उत्पत्ति हुई है पैरों से भगवान की। देखा आपने, जाने अनजाने हम इन भोले भाले मासूम बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पे कहीं वही वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक ऊंच नीच के विचार तो पैदा नहीं कर रहे हैं। कहीं हम मनोवादी संस्कृति इनके दिमाग पर तो नहीं डाल रहे हैं। इन सब अनसुलझे अधूरे सवालों के साथ मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।